हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। राज परिवार सरीला स्टेट के बहुरानी रजनी सिंह ने ठोकी हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी। यह खबर यूपी के हमीरपुर ज़िले से है, जहाँ सरीला स्टेट के बहुरानी रानी रजनी सिंह राजा धीरेन्द्र सिंह रामकुंडा मोहल की सरीला की पत्नी है। इनका बचपन से ही समाज सेवा से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड का मुख्य द्वार जनपद हमीरपुर है और बुंदेलखंड के सबसे पिछड़ा जनपद होने के वजह से यहां अभी समाज को शिक्षित करने एवं बेरोजगारी पलायन को रोकने हेतु समाज में जनता के बीच जाकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को देखते हुए यहाँ का विकास रुक सा गया है। मोदी जी और योगी जी के वजह से अब बुंदेलखंड में ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। मैं भी यहां पर राजनीति के माध्यम से विधानसभा के उपचुनाव में दावेदारी कर रही हूं। यदि पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं हमीरपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाऊंगी और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। देखिए, हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट। मुझे मौका देती है विधानसभा में तो अगर टिकट मिलता है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी और पूरे जिला की सेवा करूंगी और इसके पिछड़ेपन को दूर करूंगी। मैम, आप राजघराने परिवार से हैं और आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? हम यहां पर आए, हमने देखा हमारा राज सरीला और हमारा ज़िला हमीरपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ, जो कि हमारे बुंदेलखंड का मेन द्वार है। जब दरवाज़ा ही पीछे रहेगा तो आगे लो जनता कैसे आगे जाएगी, और यहाँ की जनता जो बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, गांव भी पिछड़ा हुआ है, यहाँ रोडें नहीं है आने के लिए, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है लोगों के पास, अन्न की व्यवस्था नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, जो कि यहाँ पर बसें होनी चाहिए और ऑटो टैक्सी की व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोग बहुत परेशान हैं यहाँ के। मैम, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा हमीरपुर ज़िला में चारों तरफ खनन है और पलायन है, अन्ना पशु सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, इसके लिए आपने क्या सोच रखा है? अन्य पशु के लिए हम पशु घर बनवाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए कर्मचारी रखे जाएंगे, जो कर्मचारियों को भी रोज़गार मिलेगा और अन्य पशुओं को भी खाने की व्यवस्था होगी, खनन के लिए पानी की व्यवस्था होगी। किस पार्टी से आपको टिकट मिल रहा है? हम बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। और शायद नहीं मिला जैसे बीजेपी से टिकट, तो हम निर्दलीय, जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और शायद जनता की कृपा हुई तो जीतेंगे भी, और अगर नहीं भी टिकट मिला तो हम अपने गांव और ज़िला का विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे, जनता के साथ हैं, जो जनता चाहेगी हम वो करेंगे। आपको किस पार्टी से टिकट मिल रहा है? बीजेपी। आप बीजेपी? आपको बीजेपी क्यों पसंद है? क्योंकि बीजेपी जो विकास कर रही, कोई और पार्टी नहीं कर रही। मोदी जी ने अभी धारा 370 हटाई है और स्वच्छता अभियान है, पशुओं के लिए अनाज खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारा बीजेपी कर रही है। हम योगी जी और बीजेपी के काम से इतने खुश हैं कि हम उनके वो मुरीद हो गए, उनके मुरीद हो गए, उनके मुरीद हो गए, हम उनके फैन हैं।